डियर व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग, आदाब। इस वक्त हमारे एक पेशेंट आए हुए हैं जिनको सिरोसिस ऑफ लीवर था ड्यू टू क्रोनिक हेपेटाइटिस सी, और जब ये हमारे पास आए थे तो उस वक्त इनका आरएनए, एससीवी आरएनए 3484 था, और फिर ये जो है ये टीएनडी हो गया था, नंबर दो। नंबर तीन, फाइब्रोस्कैन इनका 20/5/23 का 46.3 था केपीए, और आज इनका भी इन्होंने एक हफ्ते पहले कराया 10/7/24 को, आज है 15.4। तो ये 46 है और 15 रह गया, ये एक एविडेंस है कि जो फाइब्रोसिस थी वो रिवर्स हो गई। ये आप इनका देख सकते हैं, और ये मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। ये देखिए, ये अभी फाइब्रोस्कैन करा के लाए हैं, और ये हमारा पुराना पर्चा है इनका 1 जून 2023 का। ये देखिए 46.3 था इनका केपीए, और इस वक्त इनका एलएफटी भी नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, और आपका जो है जनरल कंडीशन पेशेंट की ये खुद बता देंगे इनको कितना आराम महसूस हो रहा है, बताइए। जी, पहले तो बहुत फायदा है मुझे, पहले तो बहुत परेशानी थी, खाना भी नहीं जाता था, दिक्कत होती थी, लीवर में नहीं भूख नहीं लगती थी, ज़्यादा वीकनेस थी, खाना भी नहीं जाता था। उसके बाद मैं डॉक्टर साहब के पास आया, तो यहाँ से दवाई ली मैंने, और मुझे माशाल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ पहले से, और अब मैं बहुत एक्टिव हूँ। पहले बहुत सुस्त काम भी नहीं होता था कुछ भी, और भूख भी सही लग रही है, और बहुत ज़्यादा तरोताज़ा रहता है, बहुत फायदा हुआ अच्छा बताइए। तो सो ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट वी कैन से दैट द फाइब्रोसिस इज रिवर्सेबल विद यूनानी मेडिसिन, एंड वी हैव प्रूफ ऑफ फाइब्रोस्कैन, अल्ट्रासाउंड, एलएफटी, ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू सो मच।